नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। भले ही राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में राहत मिल गई हो, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल आज सुबह सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती पर रेलवे की नौकरियां दिलवाने के लिए उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। चारा घोटाला मामले में हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब सिर्फ लालू ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी अब सीबीआई की कार्रवाई की चपेट में आ गई हैं। आज सीबीआई ने रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की रेड पटना में 17 जगहों और अन्य ठिकानों पर जारी है। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई उनके 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम पटना में पूर्व सीएम और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंची है। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने अपने कई जानने वालों को रेलवे में नौकरी दिलाई थी। इसके बदले उनके परिवार वालों को सस्ती दरों पर जमीन मिली थी। सीबीआई को शक है कि इस मामले में संभवतः जमीन खरीदने के बदले पैसा भी नहीं दिया गया था। वहीं इस कार्रवाई पर बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रेलवे में नौकरी के बदले में उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि लालू यादव के परिजनों के खाते में 1,20,00,000 रुपए आए। इसके अलावा दिल्ली, पटना और दानापुर समेत अनेक जगहों पर लालू यादव के परिजनों को जमीन मिली। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और बिहार के पटना और गोपालगंज में 17 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। लालू यादव इस समय दिल्ली में है, उनकी बेटी मीसा भारती भी दिल्ली में है। राबड़ी देवी अपने आवास पर ही है। लालू साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। गौरतलब है कि चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले महीने 22 तारीख को जमानत दी है, जिसके बाद से वो रिहा है। जमानत मिलने के बाद कुछ दिनों तक एम्स में अपना इलाज करवाया, जिसके बाद से वो अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर है। सीबीआई की छापेमारी पर आरजेडी नेता और विधायक आलोक मेहता ने कहा कि एक मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सीबीआई की कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपाती है। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।